हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे आज। जैसे एक ट्रायंगल है अपने पास, जिसके वर्टिसेस हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया जो है वो बराबर होता है हाफ ऑफ पहला वर्टेक्स x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1, 1। ये अपनी तरफ से लिखना है, हमेशा 1, 1 ही लिखना है और कोई नंबर नहीं लिखना है। 1, 1 लिखा और इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, इसको एक्सपेंड कर देना, इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे 4.1 में निकाली थी ना, उस तरह से आपने इसकी वैल्यू निकाल देनी है। एक्सरसाइज 4.1 में जिस तरह से निकाली थी, मतलब यूजिंग आर वन, आर टू, आर थ्री, कोई भी एक चीज़ यूज़ करके हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है जी। और इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट लाइज कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी जीरो। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी जीरो। तो अगर वो ट्रायंगल बन रही है तो उसका कोई ना कोई आंसर आएगा, लेकिन अगर वो एरिया जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको लिखना है, देखिए ध्यान से, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट वैसे तो सारे सेम ही है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट बता रहा हूं मैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये ट्रायंगल है अपने पास, इसके वर्टिसेस दिए हुए माइनस टू, माइनस थ्री, थ्री और टू, माइनस वन, माइनस एट, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है अपने को, तो इसका एरिया हो गया हाफ ऑफ माइनस टू, माइनस थ्री, थ्री और टू, माइनस वन, माइनस एट। वन 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 अपनी तरफ से लेना है, वन 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 अपनी तरफ से लेना है ना। अब इसको एक्सपेंड करेंगे हाफ ऑफ, तो जैसे मैंने बताया किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लो आप कर रहे हैं एक्सपेंड आर वन, छह ऑप्शन मैंने बताई थी, तीनों रो में से कोई रो ले सकते हैं, तीनों कॉलम में से कोई कॉलम ले सकते हैं। फिलहाल हम आर वन से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, आर वन से। तो आर वन में हमारे पास क्या है, पहले माइनस टू से सॉल्व किया, माइनस टू से सॉल्व किया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, टू प्लस एट। फिर इसके साइन चेंज होते हैं, इसके साइन चेंज, माइनस थ्री का क्या हो गया प्लस थ्री, माइनस थ्री का क्या हो गया प्लस थ्री, फिर ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन। फिर इसके प्लस वन से सॉल्व किया, क्योंकि हमेशा मैंने बताया था सेकंड वाले के ही साइन चेंज होते हैं, इसके 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 इसके, ऐसे बताया था ना। तो माइनस थ्री का प्लस थ्री हो गया, फिर थ्री प्लस वन, फिर वन से सॉल्व किया, ये कैंसिल है कैंसिल, माइनस चौबीस प्लस दो, माइनस चौबीस प्लस दो, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, ठीक है जी। ये कैंसिल कटेगा नहीं भाई, आठ दो दस, दस ना बीस, बारह, माइनस बाईस, माइनस बयालीस, तो ये आंसर आ रहा है माइनस पंद्रह। लेकिन लेकिन एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ये माइनस पंद्रह आंसर आ रहा है, लेकिन एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए इसको प्लस पंद्रह लिख देंगे। बात समझ में आ रही है मेरे को, कि भी जो वर्टिसेस हैं उन वर्टिसेस को लिखकर आपने वन 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 लिख के डिटर्मिनेंट बना लिया थ्री इंटू थ्री में, क्योंकि डिटर्मिनेंट टू इंटू टू या थ्री इंटू थ्री ही होता है। डिटर्मिनेंट बना लिया, उसके बाद उसको एक्सपेंड कर देना, जैसे 4.1 में मैंने सिखाया इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एक्सपेंडिंग आर वन, आर टू, आर थ्री या कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, ठीक है ना। उसी तरह से इसको एक्सपेंड कर दिया है, तो ये आंसर आ गया माइनस पंद्रह, लेकिन एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव पंद्रह हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए कभी भी आपको आंसर जो है जो देना है वो पॉजिटिव देना है, बेशक वो नेगेटिव आ रहा है। जब जैसे सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन में ट्रायंगल तो बन ही नहीं रही, इसमें लिखा हुआ है ए बी सी तीन वर्टिसेज हैं, उसको कोलिनियर शो करना है। ये ए बी सी तीन वर्टिसेज आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर उसको कोलिनियर शो करना है। तो कोलिनियर मैंने आपको बताया था, जैसे ए लिख लिया, बी प्लस सी लिख लिया, बी लिख लिया, सी प्लस ए लिख लिया, सी लिख लिया और ए प्लस बी लिख लिया। फिर इसको वन 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 ले लो, इसको वन 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 ले लो, और ये जीरो आना चाहिए, इसको मतलब आपने एक्सपेंड कर देना है। इसको एक्सपेंड कर देंगे तो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जीरो आना चाहिए।
एक्सपेंड तो आप कर ही लेंगे यूजिंग आर वन आर टू आर थ्री, जो भी मैंने आपको बताया है आर वन आर टू आर थ्री का यूज़ करके इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे, तो कितना आना चाहिए, ये ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है जी, बहुत इजी एक्सरसाइज है, मतलब अगर आपको 4.1 आती है, इवेल्युएशन और डिटरमिनेंट आता है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायंगल है अपने पास, ट्रायंगल में आपके पास है एक तो के ज़ीरो, दूसरा है हमारे पास 4.0, तीसरा है 0.2, इसका एरिया 4 दे रखा है, मतलब आपकी बार इस ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी गिवन है, तो हमने फार्मूला लगाना है और इक्वल टू 4 के बराबर रख देना है। फार्मूला आपको मालूम ही, हाफ ऑफ के ज़ीरो, 4.0, 0.2 और 1.1.1 अपनी तरफ से लिख दिया, और इसका आंसर अब हम ऑलरेडी 4 दे रखा है, इसका आंसर ऑलरेडी 4 दे रखा है। अब फिर वही बात, जो भी मैंने क्वेश्चन कराया उसके अंदर आंसर आ रहा था -15, आंसर आ रहा था -15, तो मैंने उसको आंसर में क्या दिया, +15, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। हो सकता है इन्होंने भी जो 4 दिया हुआ है, इन्होंने भी जो 4 दिया है वो -4 आ रहा है और इन्होंने लिख दिया +4। क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा हो सकता है ना कि -4 आ रहा है और हमने उसको क्या लिख दिया, +4, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए आपने प्लस माइनस दोनों लेना है इसके अंदर जब भी ऐसे एरिया दिया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, वैसे तो मैं किसी भी कॉलम से या किसी भी रो से कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कॉलम टू लूँगा, यहाँ पे मैं कॉलम टू लूँगा, क्योंकि कॉलम टू में दो एलिमेंट जीरो हैं, दो एलिमेंट हमारे पास जीरो हैं और हमने तीन एलिमेंट से खोलना होता है। अगर दो जीरो हैं तो बस कहानी तो खत्म हो गई, क्योंकि जीरो मतलब सफाया, जीरो मतलब सफाया, तो सिर्फ किससे सॉल्व करना है, टू से, तो टू का साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज होता है ना, तो हाफ लिखा मैंने, टू का साइन चेंज हो गया -2। कॉलम टू से क्यों खोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉलम टू में हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, तीन में से दो तो जीरो हैं, तो वो तो पूरे डिटर्मिनेंट का सफाया कर देंगे, तो हमारे पास क्या रह गया, टू, टू का -2 हो गया, ये कैंसिल, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, ये किसके बराबर है, +-4 के, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, ठीक है। ये टू से टू कट गया, ब्रैकेट खोली, -k, +4, +-4, अब दो बना लो इससे, -k+4=4, -k+4=-4, तो ये k की वैल्यू 0 आ गई और ये k की वैल्यू 8 आ गई, तो दो आंसर आ गए। तो बस इसमें करना यही था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा के आप उसको 4 के इक्वल नहीं रखेंगे, +-4 के इक्वल रखेंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में है, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये बता दूं। एक फोर्थ क्वेश्चन और समझाऊंगा, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन है इसकी इक्वेशन निकालनी है अपने को, एक लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है, और इसमें दो पॉइंट इसके ऊपर दे रखे हैं, एक पॉइंट हमारे को दिया हुआ है 1.2 और दूसरा पॉइंट अपने को दिया हुआ है 3.6, ये दो पॉइंट आपको दिया हुआ है ए और बी के ऊपर, ए 1.2 है, बी जो है वो हमारा 3.6 है, तीसरा पॉइंट आप एक्स वाई लेट कर लो, क्योंकि लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन की इक्वेशन के ऊपर नेचुरली एक्स और वाई तो होगा ही होगा, लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो लाइन के ऊपर एक्स और वाई तो होगा ही होगा, तो तीन पॉइंट हो गए अपने पास, दो पॉइंट क्वेश्चन में दिए हुए थे, तीसरा पॉइंट हमने लेट कर लिया, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब ये लाइन है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ये लाइन है इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर है, तो फार्मूला मैंने बताया था 1.2, 3.6 और एक्स वाई अपनी तरफ से लिख लिया, 1.1.1, ये किसके इक्वल होगा, 0, ये जो पॉइंट्स हैं ये अपने कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब 1.2.3.6 एक्स वाई 1.1.1 ये सब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड आर वन, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो आर वन से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आर वन ये पहले वन से सॉल्व किया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6-y, इसके साइन चेंज होते हैं, इसके साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल, 3-x +1, 3y-6x =0, ठीक है, पहले वन से सॉल्व किया, फिर टू से, फिर वन से, फर्स्ट रो से मैंने एक्सपेंड किया, इसके साइन चेंज कर दिए, तो ये जीरो के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो 6-y -6+2x, तो ये क्या इक्वेशन बनी, -6x से 6 से 6 तो कट गया, -4x +2y
इक्वल टू जीरो, माइनस फोर एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन तैयार हो गई। तो ये चीज़ थी, बड़ा सिंपल से एक्सरसाइज थी। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया, और उसके बाद पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं, तो उसको आपने जीरो के इक्वल लेके चलना है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो पहले इसको करने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 4.1 के कारण आ रही है, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहले इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट की वीडियो हमारी देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट जब समझ में आ जाता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगर इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट आता है तो आप डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल कर सकते हैं। बाय बाय।